तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और फिर से मैं फ्यूचर फॉरवर्ड आ गया, और फ्यूचर फॉरवर्ड में आके मैं आपको गॉडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर का एक टूर देने वाला हूँ मिस्टर अमित जी के साथ। वो उनसे मैं आपको जल्दी मिलाऊंगा। और बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, और लाइटिंग का आपको बहुत यूज़ पड़ता है, चाहे वो कॉन्टीन्यूस लाइट हो, चाहे वो आपका स्टूडियो स्ट्रॉब हो, या फिर आप ऑन द कैमरा यूज़ करते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी चलते हैं हमारे गॉडॉक्स का एक्सपीरियंस सेंटर। तो हम आ चुके हैं गॉडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर। एंटर तो हम हो चुके हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है मिस्टर अमित जी, उनका हम स्वागत करते हैं हमारी वीडियो में, जो हमें टूर कराने वाले हैं पूरा गॉडॉक्स का एक्सपीरियंस सेंटर। तो अमित जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो पे। तो मिस्टर अमित जी, प्लीज़ आइए और हमें बताइए, एक्सपीरियंस कराइए गॉडॉक्स का एक्सपीरियंस सेंटर के, और आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को। हाय गाइस। मिस्टर अमित जी, ये बताइए कि हम मतलब क्या यहाँ पर विजिट करके जो हमारे फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर विजिट करके। आपको फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को ये बेनिफिट हो सकता है कि हमारे पास गॉडॉक्स का इंडिया में पहला एक्सपीरियंस सेंटर हमने यहाँ पर ओपन किया है, जहाँ पर सारी लाइटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सभी जितने भी गॉडॉक्स में जितने भी मॉडल्स हैं लाइटिंग्स के, सभी के डेमोज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और प्रॉपर आके यहाँ पर टेस्ट करके डेमो करके, कहीं पर क्या होता है लोग लोकल शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, कहीं जाते हैं वहाँ पे क्या है, आपको लाइट्स ओनली बॉक्स मिलती है या ओपन करके कोई नहीं, दिखाता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। प्लस अपने पास एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि अगर आपको मान लो कोई लाइट समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ से ले जाइए, आप ट्राई कीजिए एक दिन, आपने ट्राई कीजिए, आपको सही लगता है, देन आप आकर के बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये सबसे बेटर आपको, अगर आप मतलब फैसिलिटी यहाँ पर आके भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रोडक्ट को हाथ में लेके, टेस्ट करके, यूज़ करके, प्लस अगर आपका तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपके जो आपकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कंडीशन, मतलब वहाँ पर क्या सिनेरियो है वहाँ पर, और उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो आप यहाँ से आप बस आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, आप दिल्ली NCR में कहीं भी इनके प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली उसको परचेस कर सकते हैं। और बिना देरी के अब मिस्टर अमित जी के द्वारा हम पूरा जो एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, और बताएंगे कि एक प्रोडक्ट उसका जो हम ना कॉस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट आपके कहाँ काम आ सकता है। तो अमित जी, बताइए ये प्रोडक्ट मतलब हमारे कितने तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, कैटेगरी कितनी है, और कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे पास लाइटिंग में जो कैटेगरीज है, तो वो तीन कैटेगरीज आती है। एक आती है स्पीड लाइट्स, एक आपका कंटिन्यूस लाइट्स जो मेनली वीडियोज़ के लिए है, और तीसरा आता है आपका स्टॉप लाइट्स। तो यहाँ हमारी जो कैटेगरीज है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये है आपकी सारी जो है स्पीड लाइट्स हैं। स्पीड लाइट्स की जो कैटेगरी यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 350 TT 350, मेनली जो शॉर्ट जो पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए, क्लोजअप्स वगैरह के लिए सबसे बेस्ट आपकी ये मानी जाती है। इसका आपका अगर मतलब घर में छोटे फंक्शंस वगैरह शूट करने हैं, आपने अपने बर्थडे पार्टीज वगैरह शूट करनी है अपने पर्सनल, तो देन ये फ्लैश आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर फिर आपको ये आ जाती है V860 Mark II। इसके ये आपके फ्लैश आए थे, तो थोड़ा इसमें गाइड नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, लाइक गाइड नंबर आपका सब्जेक्ट से आपका डिस्टेंस कितना है, कितना रख सकते हैं, कितनी दूर से आप फ्लैश मारनी है, तो वो चीज़ इसमें गाइड नंबर से मेंशन होती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है आपको, तो उस चीज़ के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर से स्पीड लाइट में आपने ये आ जाती है V1, काफ़ी अच्छी हॉट सेलिंग जो फ्लैश है ये मानी जाती है। लाइक इसमें क्या है, आपको राउंड हेड जो फ्लैश हेड मिल जाता है, राउंड मिल जाता है, इसके अंदर इनबिल्ट आपका रिमॉडलिंग लाइट मिल जाती है, कंटीन्यूअस मॉडलिंग लाइट मिल जाती है। 360 आपका ये रोटेट कर सकता है इसका हेड, ठीक है। अच्छा अमित जी, ये आई थिंक पहली लाइट थी गॉडॉक्स की जिसमें मॉडलिंग कंटीन्यूअस मॉडलिंग लाइट आई थी। हाँ है ना, पहली लाइट थी ये। अब इसके बाद उन्होंने सभी में निकालने लगे, लाइक जैसे अभी 863 आई है मॉडलिंग लाइट नई, मैं दिखाता हूँ आई थिंक यहाँ पे अभी डेमो में नहीं है वो। तो गाइस, 860 का Mark III वर्जन भी आ गया है, और उसमें आपको कॉन्टीन्यूस मॉडलिंग लाइट भी मिलती है। मेरा पैक है, पैक यूनिट में दिखाया था आपको, ये हमारे सारे पैक बॉक्स हैं 3 में, ये यहाँ पे ये मॉडलिंग लाइट दे दी है उन्होंने। ओके LED में
और अगर आप इस प्रोडक्ट को मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड गोडॉक्स एक्सपीरियंस जोन। और अमित जी ये बताइए, ये थोड़ी सी लाइट क्यूट सी लग रही है, ये क्या, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये आउटडोर फ्लैश, आप आउटडोर फ्लैश है 100 वॉट की AD100 प्रो। इस ये भी सेम आपका फ्लैश हेड में है, राउंडेड फ्लैश हेड में। जो एक एक्सेसरीज आप इसमें यूज़ करोगे, एक K1 इस लाइक इसकी जो डिफ्यूज़र है, बांडो है, कलर जेल्स है, वो सभी कुछ आप इस पर भी यूज़ कर सकते हो। प्लस इसे अपना S2 पैकेट के साथ यूज़ करके अम्ब्रेला यूज़ करना है, अम्ब्रेला से अगर आपको रिफ्लेक्ट करानी है इसकी फ्लैश, तो यहाँ पे आपका इसका अम्ब्रेला सेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। अगर उसके अंदर सॉफ्ट बॉक्स लगाना है तो S2 पैकेट साथ में लगेगी, और आप इसे सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे फैशन में, वेडिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसे वेडिंग में इसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पॉकेट इनबिल्ट बैटरी इसमें दे दी गई है। ओके, ठीक है। अगर मान लो कहीं पावर नहीं है आपके पास, आप इसमें जस्ट बैटरी डालेंगे, ये बैटरी से ऑपरेटर कहने का मतलब, नहीं से यूज ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी चीज़ का यूज़ होगा आपका, स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं आप इसे, अपने आउटडोर में कहीं फैशन वगैरह उसमें जा रहे हैं, आउटडोर शूट्स वगैरह में, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो बहुत हैंडी है, एक मतलब एक हाथ में ऐसे आपके पैक हो जाएगी, और आपकी किट में ज़्यादा जगह भी नहीं रहेगी, और आप इसको एक एडिशनल लाइट के तौर पर भी ले सकते हैं कहीं पर, अगर आपकी मेन लाइट काम नहीं कर रही तो ये आपका सेवर लाइट बन सकती है। बिल्कुल, आपका फिर लाइट का काम हो सकती है। तो उसके बाद आती है हमारी AD200, ये तो इसने तो मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी लाइट बोल सकते हैं अमित जी, ये कहना गलत नहीं होगा। इसने तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, AD200 और AD200 प्रो, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस जो आता है मेनली दो चीज़ों का इसमें डिफरेंस है, एक आता है बिल्ड क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटी इसकी जो ये चीज़ है AD200 की जो ये चीज़ है, ये हल्की सी प्लास्टिक में दी हुई है, ये थोड़ी मेटेलिक में है। प्लस इसके जो सिंक स्पीड है, सिंक स्पीड इसका 1/128 तक जाती है, ये जाती है आपके 1/256 तक। मेन जो डिफरेंस है वो यही है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है दोनों का। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये हमारी लाइट थी 100 प्रो, इसमें हमारी 200 प्रो है, तो ये ना वॉट को डिनोट करता है कि इसकी ये कितना पावर, इसका मैक्सिमम जो आउटपुट है वो कितना है, वो 100 वाट हो गई, ये 200 वाट हो गई। तो आगे भी हम आपको जो लाइट्स दिखाएंगे तो उसमें कोई 300-400 होगी, तो वो उसकी पावर को डिनोट करता है। हाँ, तो अमित जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे, ये कौन सी लाइट्स हैं? ये आपके छोटे पैनल्स हैं, छोटे LED लाइट पे पैनल्स हैं, ये आपकी RGB लाइट है, अभी इसे बैटरी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, छोटी सी LED दी हुई है, ये RGB पैनल्स, RGB लाइट है, इसका वेलक्रो के साथ में आपका कहीं पर भी माउंट किया वॉल पे, आपका कहीं पर भी इसे माउंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए RGB लाइट है, इस टाइप से ये यूज होगी लाइट। अगर आप DIY वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें आप इसको क्या बोलते हैं, लाइट के द्वारा आप ना एक इंटरेस्टिंग माहौल बना सकते हैं, एक ट्रू वीडियोस अगर बना रहे हो आप किसी, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़े इफेक्ट्स वगैरह देने हैं, कलरफुल इफेक्ट्स देने हैं, इससे आप दे सकते हैं। और उसमें प्रीसेट्स भी आते हैं काफ़ी सारे, जैसे क्वालिटी बल्ब हो गया और क्लाउडी वो हो गया, तो वो आप इफेक्ट देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइक ऐसा भी है इसमें म्यूजिक मोड भी दिया हुआ है। म्यूजिक मोड में लगाया आपने, म्यूजिक को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग ही आपका फ्लैश ब्लिंक करेगा। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो गाइज यहाँ पर आके आप सारे फीचर्स को टेस्ट ऑन कर सकते हैं, टेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि इसका मतलब पोजीशन चेंज हो जाता है, तो बताएंगे इसका यूज़ क्या है? किसी भी उसमें पोजीशन में आप इसे अपना माउंट कर सकते हैं लाइट को, सेम RGB वही पैनल का RGB पैनल है, सभी फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसमें इजी छोटी LEDs भी मिल जाती है, इजी ऑपरेशन के लिए ये सभी मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी को हम कवर करने वाले हैं, स्टूडियो स्टॉप्स की। अगर आप स्टूडियो में फैशन फोटोग्राफर हैं या प्रोडक्ट शूट करते हैं तो वो उसके बिना तो वो इम्पॉसिबल है। तो अमित जी बताइए, हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडियो स्टॉप्स की कैटेगरी, कितने वॉट से स्टार्ट है? 400 वॉट से ये स्टूडियो स्टॉप स्टार्ट हो जाती है, SK400 सेकेंड। ओके, ये जो लाइट है किट में आती है, दो लाइट्स का सेटअप आता है इसमें सॉफ्ट बॉक्स के साथ में, 60x90 के दो सॉफ्ट बॉक्स साथ में आते हैं। ये मेनली यहाँ से आपका 400 वॉट से स्टार्ट हो जाता है आपका स्टूडियो स्टॉप्स।
इसके बाद लाइक ये आती है आपको पावर से ऑपरेटेड होती है स्टूडियो से और ये हमारा मतलब एक किट में ये किट आता है मतलब दो लाइट का ये सेट आता है इसमें दो लाइट आती है अगर कोई एक लेना चाहे तो उसके लिए फिर क्या क्या ऑप्शन है ये सिंगल में आती नहीं है ये किट में किट में ही अगर हाँ सिंगल से अगर मान लो हमारे पास कोई सेपरेट रखी है तो हम दे सकते हैं और दोस्तों अगर आपको सिंगल लाइट चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन है वो अभी अमित जी बताने वाले हैं वो है हमारा QT 400 Mark II हाँ सिंगल अगर लाइट चाहिए देन आपको सेम अगर 400 वॉट में ही चाहिए सिंगल लाइट तो आपको QT 400 मिल जाएगी इसमें क्या है ये इसमें काफ़ी एडवांस है इसमें जो सिंकिंग स्पीड है वो हाई स्पीड सिंक है 1/8000 तक ये आपका सिंक करेगी लाइट ये जाती है आपका 2000 तक जाती है तो अगर आप मतलब हाई स्पीड मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं और अपने स्टूडियो के अंदर ही तो आपके लिए लाइट बहुत अच्छी रहने वाली है QT 400 Mark II और अमित जी बताइए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारा ये आपका नेक्स्ट DP 600 लाइक देखो स्टूडियो स्टॉप में ना अगर किट में देखते हो तो पहले इसकी ये 400 वॉट है 400 वॉट की बात आती है सीधा 600 वॉट ये Mark III है Mark III ये भी किट में आती है ये भी किट में आती है ठीक है मतलब अगर आप इसको परचेस करेंगे तो ये दो लाइट का सेट आएगा उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है दो लाइट्स दो सॉफ्ट बॉक्स और एक ट्रॉली बैग और एक ट्रिगर और दोस्तों एक सबसे खास बात है कि आप QT 600 को आप ना अपग्रेड भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम इसके आपको अपडेशन मिलेंगे और आप इसको अपडेट कर देंगे और जिससे कि आप अपनी लाइट को ना क्या बोलते हैं सर इसके जो फीचर्स वगैरह वो सब कुछ ऐड ऑन होते चले जाएंगे नए नए इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड ऑन होंगे और FX मोड्स वगैरह जो आते हैं वो सब ऐड ऑन होते चले जाते हैं इसके बाद आती है सीरीज QT सीरीज में आपका आता है 400 वॉट 600 वॉट और 1200 वॉट ये तीन वॉटेज में आपकी आती है QT सीरीज जो अगर आपका हाई स्पीड सिंक आपको यूज़ करना है फास्ट मूविंग मतलब कैप्चर करना है फास्ट आपका जो मोशन कैप्चर करना है मेनली तो QT सीरीज आप यूज़ करो ये मेनली आपको 1200 वॉट 600 वॉट ये सारी यूज़ होगी आपके उसमें स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं आप इन्हें ठीक है जो अपना वाला वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हैं आप जब समझ गए उन सब में यूज़ कर सकते हैं और अगर आप बहुत बड़े सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट चाहिए तो आप 1200 वॉट को ले सकते हैं आई थिंक इससे ऊपर कोई लाइट नहीं आता है 1200 वॉट ये लास्ट है और अमित जी मैं देख रहा हूँ ये 1200 वॉट में हमारे पास दो ऑप्शन है एक अच्छा ये QT ये बताएंगे ये मुझे डिफरेंट लग रहा है इस दोनों में डिफरेंस जो है ना ये 1200 सेकंड है या 1200 थर्ड है ये और ज़्यादा एडवांस है इससे हाँ ये थोड़ी एडवांस है आप साइज में देख रहे होंगे हाँ ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है Mark III आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलेगी और जो इसमें मेजर एक जो डिफरेंस है ये भी है कि इसमें जो आपको मॉडलिंग लैम्प मिलता है ना वो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस LEDs मिल रही है आई थिंक और इसमें आपको बल्ब मिल रहा है इसमें कूलिंग फैन दे दिया गया है यहाँ पे अच्छा इसमें कूलिंग फैन भी दे दिया गया है ओके और जिससे कि आपको एक कांस्टेंट कलर मिलता है और ज़्यादा देर तक आप अपनी लाइट को यूज कर सकते हैं बिल्कुल फिर इसके बाद आपकी आ जाती है कॉन्टिन्यूस लाइट अगर आप क्या बोलते हैं वीडियो प्रोडक्शन में तो आप कंटीन्यूअस लाइट को यूज कर सकते हैं शूट कर सकते हैं कंटीन्यूअस लाइट अपनी स्टार्ट हो जाती है 60 वॉट से SL 60 वॉट ये काफी अमित जी काफी ये मतलब पॉपुलर ब्रांड था और आई थिंक गॉडक्स ने इसको बहुत ज्यादा चली है बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत अच्छी लाइट है मैं आपको दिखा देता हूं गॉडक्स की SL 60 बहुत ही फेमस लाइट थी ये बहुत मोस्ट आई थिंक ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था गॉडक्स मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अभी भी है बहुत ही बजट में ये लाइट आ जाती है इसमें जो लाइट के साथ आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है और इसमें रिमोट आता था पहले शायद अब नहीं आता है रिमोट नहीं आ रहा अब इसमें क्या है आपको बैटरी ऑपरेटेड भी आ गई है ये 60 वॉट में पहले क्या है ये ओनली पावर से चलती थी ठीक है पावर कॉर्ड से ला के अब ये बैटरी ऑपरेटेड में भी आ गई है जिसमें आपका बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो ये पावर है अपना पावर से ऑपरेट कर सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट ये लाइट है काफ़ी कॉम्पैक्ट ही लाइट दे दी है ठीक है थोड़ा स्पेस बना के थोड़ा दिखेगा काफ़ी कॉम्पैक्ट ही लाइट दे दी है इसमें क्या आपका दो वर्जन आ गए डे लाइट और बाय कलर मतलब बाय कलर दोस्तों वो होता है इसमें आपको कूल और वार्म दोनों लाइट मिल जाते दोनों कलर टेम्परेचर मिल जाते हैं और ML 60 जो इसमें आपको सिंगल टोन 5600 केल्विन कलर इसमें मिलता है ना आपको उसको आप बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं प्लस अगर आप आउटडोर शूट करना चाहते हैं कोई प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं
तो आप बिना किसी पावर सोर्स के सिर्फ बैटरी को लगा के इसमें दो बैटरीज लग जाती है ना, बैटरी 980 या 970 कोई भी बैटरी जो नॉर्मल एडीज वगैरह बुलाते हैं। और दोस्तों इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, मैंने पर्सनली इसको यूज किया है और बहुत साइलेंट ये लाइट है। कूलिंग फैन वगैरह सब कुछ इसी का दिया हुआ है। कूलिंग फैन ये आपको दिख रहा है ना, ये वेंटिलेशन के लिए है जो कि आपके काफ़ी देर तक आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये इसका जो साउंड है वो बहुत कम है, इससे ऊपर आपने आ जाती है कि ये आपका 100 वॉट 100 के बाद आपके आ जाती है 150 वॉट, ये आती है FV सीरीज। दोनों मिल जाती है आपको, फ्लैश भी मिल जाती है और कंटीन्यूअस भी, दोनों ही मिल जाती है। तो अगर कोई नॉर्मल मान लो वीडियोस के चलते चलते बीच में कैप्चर करना चाहते हैं तो आपका वो फ्लैश पॉपअप भी हो जाएगा बिल्कुल, बट स्टॉप वो जो स्टॉप मिलता है वैसा ही वैसा इफेक्ट नहीं देगा। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत आपको स्टिल्स वगैरह लेने हैं तो इसके थ्रू आप ले सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये एक एडिशनल फीचर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको दो दो लाइट का सेटअप नहीं करना है, और अगर आपका वीडियो प्रोडक्शन ज़्यादा है और उसमें आपको कुछ क्लिक्स निकालना है तो आपके लिए लाइट बहुत अच्छी रह सकती है। हाँ बिल्कुल, FV 150 इसमें दो आती हैं, FV 150 और FV 200। तो उसमें आपको दो मिल जाएंगे वेरिएंट, 150 वॉट और 200 वॉट में। ये आ जाती है अपनी SZ सीरीज, SZ 150R। अरे प्रोडक्ट के पास भी आ रहा थोड़ा सा। हाँ, ये मिल जाती है आपको SZ 150R। अब इसमें क्या है, ये आपका RGB कंटिन्यूस लाइट भी है और वाइट वार्म तीनों ही मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। अच्छा, आपको अगर मतलब तीन लाइट की जगह आपको एक लाइट कैरी करनी हो तो आप ये लाइट परचेज कर सकते हैं गोडॉक्स का SZ 150R। हाँ, इसमें क्या है, ये आपका कंटिन्यूस लाइट मैं ऑन कर दिखाया तो इसे RGB है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे लेंस भी दे दिया इसको, अगर आपको लाइट की डायरेक्शन आपको बढ़ानी है आप इसे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, जो जूम जिसे कहते हैं लाइट का जूम कर सकते हैं हम। ये अब मेरे पास आना, ये आपको ये एक डायल मिल जाता है, देखो अंदर पूरा जो पूरा लाइट का जो मैकेनिज्म है ना, पूरा हार्डवेयर वो देखो मूव करता हुआ दिखेगा आपको। आई थिंक कैमरे में आप शायद इतना वो विजिबल ना हो, और अंदर भी देखो लाइट मूव कर रही है, तो ये काफ़ी एडवांस और इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। और इससे आप अपनी लाइट को, लाइट के स्पॉट को भी आप वो कम और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अपना आपका कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डिम करना है कितने परसेंट रखना है, ठीक है। कलर अपना सैचुरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, या काफ़ी सारे एफएक्स मोड्स यहाँ पे दिए दिए हैं। जो मैं ये बता रहा था म्यूजिक मोड, वो सेम इस म्यूजिक मोड इसमें नहीं दिया हुआ है। ये आपका एम्बुलेंस मतलब जो भी एफएक्स मोड है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये इसमें भी आपका, मुझे दो, थैंक यू। तो दोस्तों इसमें भी आपका क्या बोलते हैं, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, USB लगा के अपडेट कर सकते हैं प्लस। और अगर ये RGB लाइट है तो इसका मतलब, अरे यार ब्लर तो नहीं मारते हैं। अगर ये सिर्फ RGB लाइट, सिर्फ ये नहीं है, ये प्रॉपर RGB आप 16 मिलियन कलर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ फीचर एड ऑन करने के लिए इसको RGB नहीं बोला गया है ना, आप बिल्कुल RGB के, बिल्कुल जो RGB की तरह, RGB की तरह हम इसको वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल RGB प्लस डे लाइट प्लस बायो, ये इसको अगर हम हाई सेंसिटिविटी, देखिए अगर आपको ह्यू सैचुरेशन और HSI मोड इसमें यूज करना, ह्यूज है ये आपका सैचुरेशन है, जो भी कलर्स आपने इसमें से बनाने हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑपरेट बना सकते हैं। ओके, 360 डिग्री में जो यूज होता है ना, 360 डिग्री माना जाता है ना। हाँ, तो ये वही है 360 डिग्री, यहाँ पे कोई जो भी कलर आपने लेना है 360 डिग्री से कहीं से भी आप कलर अपना कोई दोस्तों इसको आप 3-in-1 लाइट कह सकते हैं, हम इसी 3-in-1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आई थिंक ये लाइट कोई और ब्रांड दे रहा है, मुझे तो नहीं लगता कोई दे रहा है, नहीं अभी तक कोई तक कोई नहीं दे रहा है ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लाइट है। कंटीन्यूअस में RGB तो अभी तक कोई नहीं दे रहा है ना, मैं भी मतलब मैंने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस लिया है कि तीनों फीचर्स एक लाइट के अंदर मिल रहे हैं। एक तो ये आपका, ये आपका इसमें सॉफ्ट बॉक्स के साथ भी अपने यूज कर सकते हो आप इसे, है ना। ये सब अपने RGB पैनल्स है, ये सारे अपने RGB पैनल्स है। ये आपका 75 वॉट में है, ये आपका आवाज़ थोड़ी तेज़ है क्या, शोर हो रहा है ना। 75 वॉट में है ये आपका, 150 वॉट में है,
ये भी सेम 150 वॉट में है, बस जो साइज है ये आपका स्क्वायर में है, ये आपका रेक्टेंगुलर में दे दिया इन्होंने। तो उसमें नंबर ऑफ एलईडीज बराबर है दोनों के अंदर? नंबर ऑफ एलईडीज बराबर है इसमें, बट आपके जो जो वॉटेज है वो भी बराबर है दोनों में, पर शेप का डिफरेंस, बस शेप का डिफरेंस आ गया है इसके अंदर। और तीनों ही ये RGB पैनल है, तो फुल जितने भी अपने RGB कलर्स वगैरह होते हैं सभी इसमें मेंशन है, वो सारे इसमें यूज़ कर सकते हो आप। मैं ऑन भी करके दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, इसे आप ना अपने फ़ोन से ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हो। ओके, अगर आपकी लाइट थोड़ी हाइट पे है तो आपको ऐप से ऑपरेट जाने मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, फ़ोन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये यहाँ पे दिए हैं सारे HSI मोड्स, ये सारे यहाँ पे मोड दिए हुए हैं यहाँ पे ना, CCT, RGB, HSI, RGB। आपको मतलब कि ये कलरफुल पैनल डिस्प्ले भी मिल जाता है, इसके हेल्प से आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका FX मोड मिल जाता है यहाँ पे सेम। हाँ ले लूँगा। ठीक है, ये है आपका म्यूजिक मोड, लाइक अब आप इसके सामने कोई भी म्यूजिक बजाएंगे तो दोस्तों सेंस करके ऑटोमेटिकली। अभी अमित जी बोल रहे हैं और देखो ये ब्लिंक करेगी। अमित जी कुछ बोलिए, उधर ही रख दो कर ले लूँगा। जैसे इसमें इसके सामने कोई भी म्यूजिक बजता है, कुछ भी आवाज़ होती है, सेंस करके उसी के अकॉर्डिंग ये आपको ब्लिंक करके दिखाएगी लाइट्स को। तो अमित जी एक डेमो दिखा दीजिए हमारी ऑडियंस को, जरा कुछ फ़ोन पे प्ले कर दो एक बार। हाँ क्यों नहीं, रखो। देखो जैसे 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 हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लाइट देखो ब्लिंक हो गई है, ब्लिंक कर रही है। अगर हम यहाँ पे चुप हैं तो लाइट नहीं जलेगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ मैं इसमें आपको, सिर्फ एक कलर दो कलर नहीं, आप जिस हिसाब से देखो मैं बात कर रहा हूँ तो वेरियस कलर्स ये प्रोड्यूस कर रही है। तो बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए माय ब्लॉग्स, और करिए बजाइए। अभी अमित जी आपको लाइव दिखाएंगे कैसे ये लाइट रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड म्यूजिक या कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई भी साउंड इसके सामने आ रहा है उसी के साथ ये प्रोड्यूस होगी। ये अमित जी ने गाना बजा दिया, देखो ये गाने की अकॉर्डिंग ये लाइट रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप कहीं पार्टी के मूड में हैं तो इस लाइट को भी आप यूज़ करके एक पार्टी वाला माहौल बना सकते हैं। तो अमित जी ये और इसमें तीन जो गोडेक्स के पैनल्स में तीन कैडिंग मतलब तीन वो आती हैं, शेप्स आती हैं। ये हमारा छोटा साइज हो गया प्लस ये अमित जी इसमें नंबर ऑफ LEDs कितने बताई थी आपने? ये नंबर ऑफ LEDs का बस ये जो वॉटेज है 150 वॉट, 150 वॉट में ये स्क्वायर हो गई, काइंड ऑफ स्क्वायर, ये प्रॉपर रेक्टेंगल शेप होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये इसमें स्मॉल साइज मिल जाता है इसका नंबर, ये कितने वॉट का है? 75 मतलब ऑलमोस्ट इसका हाफ हो गया। और एक LEDs हमें ये मिल जाती है इसमें बहुत, ये नॉर्मल अपना नॉर्मल LED 5600 वॉट हो गया। हाँ और इसमें आपको बहुत 5600 वॉट नहीं आप 5600 केल्विन हो गया। हाँ सॉरी 5600 केल्विन में ये आती है। और वॉट की बात कितनी बताई आपने? वॉटेज मिल जाती है इसका, इसमें आपको 30 वॉट ही मिल जाता है। यहाँ पर आपकी दो बैटरीज लग जाती हैं, कौन से माउंट की बैटरीज लगती हैं? ये नॉर्मल अपना जो LED माउंट पे लगती है ना 970-980 बैटरीज, वो इसमें यूज कर सकते हो। और इसको आप डिमेबल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये जाती है आपका, वार्म भी है प्लस वाइट भी है, दोनों ही कलर इसमें आपको मिल जाते हैं। 3300 और 5600। तो अमित जी ये क्या चीज़ है ये बताइए, जो RGB जो ये स्टिक्स है, ये स्टिक लाइट है, स्टिक लाइट बहुत दोस्तों गॉडोस का ये प्रोडक्ट इसने जो इंडिया में जो वेडिंग का जो जॉनर है वो 90% आप बोल सकते हैं, और उस सेगमेंट के अंदर इस लाइट ने बूम किया था। मतलब बहुत ये पॉपुलर लाइट है गॉडोस की, LC500R ही बोलते हैं इसको। LC500R पहले आती थी, LC500 आती थी जिसमें ओनली व्हाइट और वार्म हुआ करता था। अब ये क्या है इसमें RGB आ गई है, ये RGB LC500 आ रहा है, ये आपको वार्म कलर मिल जाएगा इसमें। आपको ये इधर से घुमाएंगे, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं उसमें आप पोर्ट्रेट निकालते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं कोई मूड शॉट कर रहे हैं तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे बहुत अच्छी लाइट है। यहाँ पर आप किस आके आप इसको यूज इसको मेनली आप अभी फिलहाल लोग जो मेकअप्स में भी यूज करने लगे हैं। हाँ मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट से यूज कर रहे हैं, राइट। और वेडिंग्स में तो यूज कर रहे लोग इसे। प्लस आपका यहाँ पे ये आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख जाता है RGB,
जो सेम फंक्शन आपको उनमें दिखे थे पैनल्स वगैरह में, सेम इसमें भी दिखते हैं आप। तो उसमें इंटीग्रेटेड बैटरी आती है, उसका कितना लाइफ होता है? बैटरी होती है इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी, 90 मिनट फुल चार्ज पे 90 मिनट का जो बैटरी बैकअप आपको ये देती है। और प्लस आप इसमें बैटरी इनबिल्ट बैटरी है, चेंज बार बार बैटरी निकालने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं परचेज करना। और ये बहुत एक एक्साइटेड बॉक्स में आती है, काफी खूबसूरत बॉक्स है, काफी अच्छा प्रॉपर बैग है इसका, बैग आता है बड़ा प्यारा सा बैग है, उसके अंदर पैक होके आती है, पैक होके आती है। बट हाँ इसमें रिमोट साथ में नहीं आता है, पहले आता था, पहले रिमोट आता था साथ में, अब रिमोट इसमें साथ में नहीं आ रहा, वो आपको अलग से बाय करना होता है। ओके, तो उसकी मतलब लमसम कॉस्ट कितना? लमसम उसकी कॉस्ट आ जाती है आपका 1800। ओके अमित जी, अब ये बताइए ये क्या चीज़ है? ट्यूब्स, जो ट्यूब्स वगैरह यूज, वीडियोस आप लाइक वीडियोस बना रहे हो बाइक, लाइक कोई वीडियोस बना, वीडियोस में आपको इफेक्ट्स देना है तो उसके लिए ये ट्यूब्स यूज हो रही हैं। ये सबसे छोटी है 30 सेगमेंट अभी डिस्प्ले में है, जो चौथा सेगमेंट है सबसे बड़ा है वो अभी तक, मतलब ये भी लॉन्च कर दिया है उन्होंने। ये आपको कम से कम भी 5 फीट की वो लाइट है, 5 फीट लंबी लेंथ जो उसकी है, लेंथ है। ओके ठीक है, तो ये है आपका 30 वॉट में है, ये आपका 60 वॉट में है, ये आपका 120 वॉट में है। ओके, सेम सारे फंक्शन, जो भी जितने भी आरजीबी पैनल्स हैं, जितनी भी आरजीबी लाइट्स हैं, सभी में सेम फंक्शंस हैं इनके और गोडॉक्स में। और अमित जी ये तो मतलब अगर मैं फिर से, मुझे बोलना पड़ रहा है कि गोडॉक्स जो रिंग लाइट थी वो कितनी मतलब कितना हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था लॉकडाउन में, इनका इनकी सेल जो बढ़ी है रिंग लाइट्स की, मतलब ज़बरदस्त बढ़ी थी। और जितना पोर्ट्रेट्स वीडियोस आजकल टिकटॉकर्स वगैरह, रील्स टिकटॉकर्स, उनमें ज़्यादातर यही यूज़ हो रही है। हाँ, तो दोस्तों मतलब जो हमारी रील्स थी जो कुछ था वो इसके बिना अधूरा था, बनता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। तो एक ये इसमें छोटी सी लाइट दे दी है, पर सबसे छोटी जो आरजीबी लाइट है वो है गोडॉक्स की। कोई भी प्रोडक्ट सोच के आना वो यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है अमित जी, यहाँ पे एक ये चीज़ है, आपको गोडॉक्स में सर्विस के लिए कहीं नहीं जाना है, यहाँ से आपको जब यहाँ पे आते हैं ना आप, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर हमारे पास यही है पहला, तो यहाँ पे अपना सर्विस के लिए कहीं नहीं जाना है आपने, गोडॉक्स के सर्विस के लिए आपको हमारे पास ही आना है। मतलब आप वारंटी के, आपका प्रोडक्ट वारंटी के अंदर है तब भी, और वारंटी के बाद भी तब भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं गोडॉक्स की सर्विस के लिए। दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा गोडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर है, और यहाँ इतने प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं पूरी वीडियो में कैप्चर अगर मैं करना भी चाहूँगा तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को मैं मिस कर दूँगा। मुझे क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और सारे प्रोडक्ट तो हम कैप्चर मतलब हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे, बहुत वाइडेस्ट रेंज है। और जैसा कि मुझे कह रहे थे ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जोन है गोडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर, तो आप यहाँ पर आके सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अमित जी प्लीज़ हमें यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, और कैसे आप ये मतलब फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज़ एक बार? कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल पर लोकेशन देखनी है, गूगल पर आप डालोगे फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर, आपको गूगल मैप सीधा यही लेके आएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा स्टोर यहाँ है लाजपत नगर O2 बिल्डिंग है, लाल साई मार्केट लाजपत नगर 2 नियर फ्लाईओवर, ये यहाँ पर एड्रेस है। आप नियरेस्ट मेट्रो विनोबापुरी पड़ता है? नियरेस्ट मेट्रो आपका विनोबापुरी पड़ता है, अगर मेट्रो से आ गए नियरेस्ट मेट्रो विनोबापुरी पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस मैक्सिमम 5 मिनट्स। और अगर रही बात प्राइजेस की, तो ये मेरा दावा है कि यहाँ से अच्छे प्राइस आपको कहीं नहीं मिल सकते, प्राइसिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप एक बार विजिट करो, आप स्टोर विजिट कीजिए, प्राइसिंग के लिए आपको कहीं पे जाने की चाहे वो प्राइसिंग हो गया और चाहे वो आपका सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विस हो गई, आफ्टर सेल सर्विसेज प्राइसेज सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको फ्यूचर फॉरवर्ड। तो शुक्रिया, और अगली वीडियो मिलते हैं और भी धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ, और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में अमित जी हमारे साथ और किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो तब तक देखते रहिए माई ब्लॉग्स चैनल टाटा बाबा।